जनपद नैनीताल जिले के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपाल स्वरूप भारद्वाज औचक निरीक्षण के लिए कालाडूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कक्षाओं में पहुंचकर पठन पाठक को परखते हुए विद्यार्थियों से कई तरह के सवाल पूछे। इसके अलावा अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी देखी, लेकिन कॉलेजों में अव्यवस्थाओं को देखकर मुख्य शिक्षा अधिकारी का पारा चढ़ गया और उन्होंने यहां के प्राचार्य को फटकार लगाते हुए विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। कॉलेजों के प्रधानाचार्य से जब अभिभावक संघ की बैठक के बारे में पूछताछ की गई तो माकूल जवाब नहीं मिला। इस दौरान जानकारी निकलकर सामने आई कि तकरीबन एक दशक से विद्यालय में पीटीए और आम बैठक नहीं हुई है, जिस पर अधिकारी ने प्रधानाचार्य को फटकार लगाते हुए पीटीए और आम बैठक करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा बच्चों की अधिक संख्या और विद्यालय में शौचालय की संख्या कम देखकर शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव बनाकर भेजने को भी कहा है। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाडूंगी में भी पहुंचकर बालिकाओं से शिक्षा संबंधित कई सवाल पूछे गए और बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखकर शिक्षिका और बालिकाओं की खूब तारीफ की। कालाडूंगी से मुकेश चिंगवाल की रिपोर्ट। के लिए तो शासन द्वारा लगातार ग्रांट दी जा रही है। हर साल इस बार भी 12,46,000 एक ग्रांट आई थी, 30,00,000 एक आई है और जिला पंचायत में भी हमने उसको प्रस्तावित किया है, जिला पंचायत से भी पैसा रिलीज हुआ है। तो फर्नीचर तो धीरे धीरे हमें सैचुरेट करना है सभी विद्यालयों को। और जहाँ तक विद्यालय भवनों की बात है तो उनको जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें 1,50,000 तक आपदा के तहत डीएम साहब स्वीकृत कर रहे हैं, तो सभी विद्यालयों को कहा गया है कि वो आपदा के तहत प्रस्ताव बनाकर भी प्रस्तुत करें और जो भी उनके छोटे मोटे काम हैं वो सब आपदा के तहत कवर हो जाएंगे।